इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। पार्ट सिक्स है ये, क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज के फाइनेंशियल मार्केट्स का। इससे पहले फाइव पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज तो आपको सारे वीडियोज की लिस्ट मिल जाएगी क्लास ट्वेल्थ के बिजनेस स्टडीज की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट में सेबी के बारे में। आज के इस वीडियो में सेबी के बारे में समझेंगे। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1992 को, April 12, 1992 को, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसको सेबी एक्ट 1992 के नाम से जाना जाता है। इससे पहले ये इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन उस समय ये एक नॉन स्टैचुएटरी बॉडी था, गैर संवैधानिक निकाय था 1988 में। बाद में इसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, ज्यादा कंट्रोल करने लायक बनाने के लिए स्टैचुएटरी पावर्स दी गई सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। इसको स्टैचुएटरी स्टेटस ग्रांट किया गया, प्रदान किया गया 30 जनवरी 1992 को थ्रू एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस के द्वारा। सेबी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसके उद्देश्य पर्पज क्या है? सबसे पहला, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेज जितने भी हैं, जैसे NSE, BSE, उन सभी को रेगुलेट करना, उन सभी का नियमन करना इसका काम है। रेगुलेट करने का मतलब होता है कि रेगुलेशंस इशू करके, नियम बना करके संस्थाओं को रेगुलेट करना, नियमबद्ध करना। रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंजेज फॉर प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विसेज टू ऑल पार्टीज, सभी पार्टीज को, सभी पक्षकारों को एफिशिएंट सर्विसेज प्रदान करने के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंजेज को रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कैपिटल मार्केट में फंड इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। इनके इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अगर इनके इंटरेस्ट सुरक्षित रहेंगे तभी कैपिटल मार्केट का साइज बढ़ेगा। कैपिटल मार्केट का साइज बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा देश में, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमी डेवलप करेगी। तो इसलिए सेबी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि इंटरेस्ट जो होते हैं इन्वेस्टर्स के, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनकी सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट बाई प्रोवाइडिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड गाइडिंग। अब कभी कभी ये वन मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम में वन मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ सेबी प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स या हाउ सेबी रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस। तो उनमें यहीं से उनके आंसर बनते हैं कि जैसे हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, तो इसमें आप कह सकते हैं कि सेबी प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बाई प्रोवाइडिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। करेक्ट इंफॉर्मेशन, सही सूचना और निर्देशन देकर के, गाइडेंस देकर के सेबी प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है इन्वेस्टर्स के हितों की और उनके अधिकारों की। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस कहा जाता है कि ऐसे व्यवहार, ऐसे व्यापारिक व्यवहार जो अनुचित हों, जो उचित नहीं हों कानून की दृष्टि से, जिससे विभिन्न पक्षकारों को हानि पहुंचने का खतरा हो, जिससे अनहेल्दी कंपटीशन का खतरा हो, ऐसी प्रैक्टिसेस को ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। उनको प्रिवेंट करना, उनको रोकना, तो उनको कैसे रोकता है सेबी? उनको रोकता है बाई चेकिंग ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेज सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोटेक्टिंग ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। देखिए इनको रोकता कैसे है, इनको रोकता है अगेन रेगुलेशंस बना करके। रेगुलेशन बनाता है सेबी डिफरेंट चीजों के लिए जहां पे उनको लगता है कि यहां पे कोई अनुचित व्यवहार होने की आशंका है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग।
इनसाइडर ट्रेडिंग एक मेल प्रैक्टिस है शेयर मार्केट में। होता क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कि जो कंपनीज रहती हैं, कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं, कंपनीज जो होती हैं वो अपनी सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर इशू करते हैं मार्केट में, तो उसके जो रेट है मार्केट में वो मार्केट में डिमांड और फोर्सेस की पावर्स के द्वारा तय होते हैं। मार्केट में इंफॉर्मेशन तब आती है जब कोई कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन मार्केट तक पहुंचाती है और उस कंपनी के जो मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं, जो की पर्सनल्स होते हैं, की पर्सनल्स मतलब ओनर हो या मेजर शेयर होल्डर्स जो होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, उनको कंपनी के मामलों की पहले से जानकारी रहती है, तो कभी कभी वो अपने हित के लिए अनुचित तरीके से उस जानकारी का प्रयोग करते हैं। जैसे उनको जानकारी मिल जाती है पहले ही कि हमारी कंपनी को इस बार अच्छे प्रॉफिट्स होने की उम्मीद है, तो वो क्या करते हैं मार्केट में या तो स्वयं या अपने किसी रिलेटिव के माध्यम से शेयर या डिबेंचर अपने शेयर्स जो हैं उनको खरीदवा देते हैं या खरीद लेते हैं किसी दूसरे पर्सन के नाम से। बाद में यही इंफॉर्मेशन 2 दिन बाद जब मार्केट में पहुंचती है कि कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, तो क्योंकि उनको तो 2 दिन पहले थी, पहले ही खरीद लिया उन्होंने लाखों शेयर, उसके बाद मार्केट में 2 दिन बाद पहुंची, जब मार्केट में 2 दिन बाद पहुंची तो लोगों को तो 2 दिन बाद पता चला, तब इनके शेयरों की डिमांड बढ़ेगी और 2 ही दिन में शेयरों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे उन लोगों को लॉस होगा जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी और 2 दिन पहले उन्होंने कम पैसे में शेयर बेच दिए थे, और इनको अननेसेसरी काफी प्रॉफिट हो जाएगा एक अनुचित तरीके से, ये डिसऑनेस्ट तरीका माना जाता है। सेबी इस पर रोकथाम लगाती है और इस तरीके से प्रिवेंट करती है मेल प्रैक्टिसेस को, इन पर रोकथाम लगाती है रेगुलेशंस बना करके, इनको पनिश करके। नेक्स्ट, टू डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट। सेबी एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करके, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप भी इसीलिए किया जाता है ताकि मार्केट में अच्छी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिले, हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा मिले। ये डेवलप करता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंटरमीडियरीज ऑफ स्टॉक एंड एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, इंटरमीडियरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं उनके इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, जैसे ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी हैं। इंटरमीडियरी वो सारी संस्थाएं होती हैं जो एक कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में आती हैं, एक कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इंटरमीडियरी कहा जाता है। तो इन इंटरमीडियरी के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है नियमों का समूह, ऐसे नियम जो किसी सिचुएशन को, किसी एक्टिविटी को बेटर बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। इनको आचार व्यवहार के नियम भी कहा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होता है सभी इंटरमीडियरीज को। और कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बनाता है सेबी, ताकि मार्केट में अच्छी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है टू एंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज। इसके अलावा सेबी सुनिश्चित करता है कि जो इंटरमीडियरीज हैं वो फेयर प्रैक्टिसेस ही करें, फेयर मतलब उचित, उचित मतलब जो मेल प्रैक्टिस नहीं हो। Ensuring fair practices by intermediaries by making regulation. तो ये भी काम कैसे करता है, regulation के माध्यम से करता है। सेबी दरअसल एक regulator है ही, सेबी को कहा जाता है सेबी इज ए regulator of the stock exchange या stock markets. Stock markets का regulator है, regulatory body है, इसलिए regulations बनाने का काम करता है और regulations के माध्यम से लोगों को नियमबद्ध करता है, उनको अपने दायरे में लाता है, संस्थाओं को अपने दायरे में लाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा लगा तो लाइक करें। वंस अगेन थैंक यू।